नमस्कार, आप सबका स्वागत है। सलमान खान 27 दिसंबर को 52 साल के हो जाएंगे। हर साल सलमान फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपने पनवेल वाले फार्म हाउस में ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन इस बार सलमान ऐसा कोई भी सेलिब्रेशन करने के मूड में नहीं है। इसकी वजह ये है कि सलमान खान अपने बर्थडे पर इंडिया में नहीं बल्कि अब्रॉड में होंगे। आपको बताते चले कि पिछले साल सलमान ने बर्थडे पर ग्रैंड पार्टी दी थी, जिसमें बॉलीवुड के कई सेलेब्स और उनके फैमिली मेंबर्स शामिल हुए थे। सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है 22 दिसंबर को रिलीज होगी। डायरेक्टर अली अब्बास जफर की इस फिल्म में सलमान के साथ कैटरीना कैफ स्क्रीन शेयर करेंगी। फिल्म में ईरानी एक्टर सजाद डेलाफ्रूज विलेन के रोल में है। रिपोर्ट्स की माने तो यशराज बैनर की इस फिल्म का बजट 140 करोड़ रुपए है। सलमान ने 1988 में आई फिल्म बीवी हो तो ऐसी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। हालांकि उनकी ये फिल्म फ्लॉप रही थी। इसके बाद उनकी फिल्म मैंने प्यार किया 1989 ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। सलमान खान ने बागी 1990, साजन 1991, करण अर्जुन 1995, प्यार किया तो डरना क्या 1998, चल मेरे भाई 2000, कॉमन नो एंट्री 2005, वांटेड 2009, दबंग 2010, एक था टाइगर 2012, हिक 2014, सुल्तान 2016 सहित कई फिल्मों में काम किया है।